अरे कहीं हमारी नजर न लग जाए, बड़ी आज तो हमारी रानी चांद को भी मात कर रही हैं। शुक्रिया, बहादुर भी तो आज बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बेटा 7 साल के बाद विलायत से बैरिस्टर बनकर आया है। जी चाहता है सारी दौलत निछावर कर दूं उस पर। तो फिर बड़ी सोचती क्या हो, उठो। हाय राम, कुमार के छींकने की आवाज। अरे क्या हुआ बेटा, ये छींके क्यों आ रही है तुझे? दिमाग का फाटक खोल रहा हूँ माताजी। अरे कहीं मूली के पत्ते पर तो पैर नहीं रख दिया था? बड़ी तुझे तो जुकाम हो गया है बेटा। जुकाम घोड़े को होता है पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नर्स मेढक की तरह फुदुक रही है, माथा चूहे की तरह गर्म है, तुझे तो बुखार है बेटा। बुखार? चल बिस्तर पर लेट जा, डॉक्टर को बुलवाइए जल्दी से। बाप रे बाप, ये सब क्या हो रहा है? धीरे बोलो धीरे बेटा, तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। क्या बात है, क्या बात है? कुमार को बुखार हो गया है भैया, डॉक्टर वैद्य हकीम नजुमी और सन्यासी को भी जल्दी से बुलवा लो। जरा ठहरो मामू, मैं कहता हूँ मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जुकाम सब बीमारियों की जा है बेटा, लेते रहो। अरे ये क्या हो गया है, तुम अपना काम करो नी मामू। अरे मैडम सब साल राम जी, जल्दी जाओ नी बड़ी, जल्दी जाओ नी। अलग निरंजन, जय काली कलकत्ते वाली, भाग जाए बुखार, अच्छा हो जाए बीमार। 5 रुपए फीस, 5 रुपए बख्शीश, बोनी हो जाए राम का नाम लेकर। मंगल का क्रम, 7वें घर सूरज, 8वें घर चंद्रमा, कुमार की उम्र है 110 साल और बंदे की फीस है सिर्फ 10 रुपए। ए दक्षिणा दीजिए श्रीमान। साउन हो कि यकान है, बाहू की दुकान, मुर्दों को जगा दे, रोगों को आता दे, हर रोग का इलाज है ये मेरी छोटी सी गोली। आए किधर गई, किधर गई? जुगर और मेढे में हिद्दत है, गोया की गर्मी की शिद्दत है। माजू ने मरवारी, माजू ने बनस्ता, कुत्ता है पौला, कुत्ता है जमरुफ, अफगार जबान के साथ 8 दिन तक खाना पड़ेगा बरखुद्दा। मिक्सचर की 4 परात, बैग लाओ जी। बाप रे बाप, ये सब क्या हो रहा है? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ डॉक्टर साहब। चुपचाप लेटे रहिए, आपको आराम की जरूरत है, बीमार की देखभाल के लिए एक नर्स का होना जरूरी है। मिनट मिनट में थर्मामीटर खोज देती हूँ मेरे मुंह में, आखिर समझ के रखा है? लेट जाओ लेट जाओ, डॉक्टर ने बोल चाल बंद किया। अरे बाबा मैं बीमार नहीं हूँ, बंडर की तरह कूद फाट सकता हूँ। इस तरह 3 घंटे तक ना सकता हूँ। तुम नहीं जानती नर्स, मेरे माता पिता का दिमाग खराब। माता जी पिताजी, इस नर्स को, इस नर्स की बच्ची को घर से बाहर निकाल दीजिए, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। हाय राम, नंगे पांव घूम रहा है तू, निमोनिया हो गया तो मेरी जान ही निकल जाएगी। चल चल अंदर जा। अगर सुनिए तो माता जी, मजाते मान मान कर तुझे हासिल किया था बेटा, कुछ तो हमारा ख्याल करो। अरे खड़ी खड़ी बिस्तर से उठकर भागते हो, बड़ी तुम कोई पुल्लू भी के बच्चे हो? बच्चा तो आप लोगों ने समझ रखा है मुझे, दुनिया भर के हकीमों डॉक्टर बुलवा लिए, एक एक मिनट में थर्मामीटर, कभी कड़वी दवा कभी इंजेक्शन। बाप रे बाप, बदन छेद कर रख दिया है मेरा। कह चुके या कुछ बाकी है? 10:30 बजे, एक खुराक और पी लो और आराम से चुपचाप सो जाओ। दवाई का वक्त 12 बजे है, आप जाकर आराम कीजिए, मैं पिला दूंगी। मेहरबानी फरमा कर मेरे हाल पर रहम कीजिए, बहुत हो चुका मजाक, पत्ती बुझा दीजिए, मुझे नींद आ रही है। चरिया हो गया है चरिया, ये लो इसे ओढ़ लो, कहीं तुम्हें भी जुकाम ना हो जाए। ओ, 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 अच्छा।
करते ये नैन, नहीं बीते रैन करते ये नैन, मेरा बन के चैन आजा। हो रात रंगीली चमकी तारे, आ जा सजनवा प्रेम द्वारे, रात रंगीली हो। दिल की बतिया है कोई क्या जाने सजना, गले बैया डर मन दूंगी हार, गले बैया डर मन दूंगी हार, मेरा तू सिंगार आजा। हो रात रंगीली चमकी तारे, आ जा सजनवा प्रेम द्वार, रात रंगीली चमकी तारे, आ जा सजनवा प्रेम द्वार, रात रंगीनी। वरी कैसी तबीयत है बेटा? अच्छा हो पिताजी, डॉक्टरों ने ऐसी ऐसी कड़वी दवा पिलाई है कि बस मजा आ गया। आज का दिन और पी लो बेटा, वरी तबीयत बिल्कुल साफ हो जाएगी। जी हाँ, जरा कल वाली हजम कराऊं पहले। अब वरी मैं बाजार जा रही हूँ बेटा, राजमहल जाते वक्त कुंडी चढ़ा जाना। कल रात मैंने तुम्हारा गाना सुना था, आज दिल खैर कर यहाँ ले आया। खूब गाती हो, खूब नाचती हो। तो मुसीबत आ जाएगी। डरो मत, मैं तो समझा था तुम शेरनी की तरह बहादुर। जी नहीं, मैं चिड़िया की तरह डरती हूँ, बस अब चले जाइए फौरन। बहुत अच्छा, दुपट्टा छुड़ा दूँ, कील में अटका हुआ है। ठीक 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 ठीक, फट गया है बेचारा। कोई बात नहीं, हम नया ला देंगे। जी नहीं, मुझे दुपट्टा नहीं चाहिए, अब आप मेहरबानी करके तशरीफ ले जाइए फौरन। चल बेटा गंगा राम, अपनी तो यहां दाल नहीं गल सकती। दिन दिहाड़े कुंडी चढ़ा ली थी, सो गई थी क्या? अकेले में डर लगता था माँ। तू अभी तक फूल देने नहीं गई? चंदा रानी का गुस्सा जानती है, नौकरी छूट गई तो दर दर की भीख मांगनी पड़ेगी। अभी जाती हूँ माँ। बड़ी डरपोक, मैं तो सिर्फ तुम्हारे दर्शन के लिए खड़ा था। आ
अरे ये क्या तोड़ डाला है चुम्बकों ने? सुबह से शाम तक यही होता रहता है। तुम्हें फूलदान की पड़ी है और यहाँ गरीब की टांग टूट गई है। टांग? चलो चलो मेरे कंधे पर हाथ रख दो और जमीन पर पैर टेकने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। कुमार, कुमार, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, सिर्फ दो चार पुर्जे ढीले हुए, अभी करता हूं ठीक। क्यों नहीं, क्या हुआ है तुझे? कुछ नहीं माँ, कुछ भी तो नहीं। नमस्ते माँ जी, आपने मुझे पहचाना? कौन? छोटे सरकार, गरीब की कुटिया में जिजमान। कोकिला गिर पड़ी थी, उसे छोड़ने आया था, बेचारी बेहोश हो गई थी माँ जी। अच्छा मैं चला, नमस्ते। इतनी सी बस आती है, साधु की प्यास बुझा दे देवी, तेरा कल्याण होगा। रास्ता छोड़ दीजिए, हमें जाना है। जाना है? कहाँ जाना है? माँ जी भी तो चोटी काट देगी हमारी। मैं इजाजत लेकर आया हूँ। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? हाय, इस बेताब दिल की दास्तान सुनाना चाहता हूँ। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। बाप रे बाप, हम जाते हैं। अब जाने कौन देगा तुम्हें? माँ लाई दुख रही है हमारी। हाय, मीठा मीठा दर्द तो मेरे सीने में भी हो रहा है। हराम, आप बड़े वो हैं। क्या हूँ? जालिम। जुल्म तो तुम कर रही हो, हमें कवाली बन कराए और तुमने हमें दो घूंट पानी बना पिलाया। ये रहा घड़ा, भर लीजिए अपना पेट। हैं? मगर सुनो तो, जानती हूँ मैं कौन हूँ? जब भी तुम भागना चाहते हैं। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें जबरदस्ती उठा कर ले जाऊँ। मगर नहीं, जो मजा प्यार में है वो जबरदस्ती में नहीं। ये तो ठीक है मगर। मगर क्या? क्या मेरी सूरत खराब है? नहीं तो। यानी कि मैं खूबसूरत हूँ? जी हाँ। तो फिर बैठ कर मीठी मीठी बातें करूँ मुझसे? हमें नहीं आता मीठी बातें करना। हैराम, छोड़िए हमारा हाथ। अब ये हाथ जिंदगी भर नहीं छूट सकता। क्या कहा? तुम बड़ी सुंदर हो। ये तो हम भी जानते हैं। जब ही नखरे कर रही हो। हम जाते हैं। ओए माँ। माँ की बच्ची, शाम को मैं तुम्हारे लिए नया दुपट्टा लेकर आऊंगा, क्या समझी? कुछ नहीं। बड़ी चंचल हो, बताओ मेरा इंतजार करोगी? हाँ, करेंगे। सो तो नहीं जाओगे? नहीं, अब हम जाएं? जाओ जाओ, जा तो रहे हैं, जाओ ना। आइए आइए, तशरीफ लाइए। वरी आज कर्नेल साहब की सवारी किधर से आ निकली? अरे भाई, हम लोग तो अपना घर समझ कर आते जाते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। क्यों बेटी रूपा, वरी डैडी सच कह रहे हैं तुम्हारे? डैडी की बातें डैडी ही जाने, मैं बताऊंगी तो कोर्ट मार्शल हो जाएगा मेरा। सुन लिया हुजूर, वरी अब बताइए। ये बात है तो हम अभी वापस चले जाते हैं। चलो जी। वरी रूठ गए कर्नल साहब? रूठ जाना तो इनकी पुरानी आदत है, अभी सच पूछे तो अपनी गरज से आए हैं। तुम चुप रहो जी, हमें क्या गरज हो सकती है इनसे? राजा है तो अपने घर बैठे। तुम चलती हो या मैं अकेला ही चला जाऊं? देखो जी, झगड़ा करना है तो वापस चलकर करना, अभी तो जिस काम से आए हैं पहले उसे निपटाना होगा। वरी कर्नल साहब को क्या काम पर गया है हमसे? मैं बताती हूँ, बात यह है कि नहीं, मैं बताता हूँ। बात यह है कर्नल साहब, ये घर गृहस्थी के मामले हैं, सास को मार्च का हुक्म नहीं देना। चुप रहो जी। तुम चुप रहो जी। ओह, यहाँ तो बड़ी बम फटने लगे। आओ बेटी रूपा, हम लोग बैठकर चाय पिएंगे। ठहरिए जनाब, चाय मुझे भी पीना है।
और मुझे भी पीना है। वरी खत्म हो गई जंग? जी नहीं, ये टी टाइम है, यानी के इंटरवल। बड़ी अजीब बात है, थोड़ी देर पहले बम फट रहे थे और अब सन्नाटा छा गया है। अरे बेटी रूपा, तुमने भी चुप साध ली है, क्या बात है? कुमार इधर आओ बेटा, देखो वरी घर में कौन आए हैं। ओ कर्नल साहब, नमस्ते चाचा जी। चाची जी नमस्ते। घबराने की कोई बात नहीं बेटा, वरी इन लोगों को मिर्गी का दौरा पड़ गया। मिर्गी? बाप रे बाप, मैं चला। हेलो कुमार, मुझे पहचाना? नहीं तो। मैं रूपा हूँ, रूपा। अच्छा जी, मैं समझा बैंड बॉक्स कंपनी का बैंड मास्टर आया है। यू नॉटी फेलो, दिस इज माय यूनिफॉर्म, कम ऑन, मेरी एक तस्वीर उतारो चलते। हाँ हाँ बेटा जाओ, जब तक इन दोनों का दौरा भी ठीक हो जाएगा। ओह माय गॉड, कितना ब्यूटीफुल नजारा है। चलो घूमने चले। अच्छा जी घूमने, उसके बाद? उसके बाद हम तुम्हें गाना सुनाएंगे। गाना? यस, फॉलिंग इन लव। बस 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 मिस्टर रोमियो, बेचारी जूलियट का दिल बहुत ही नाजुक है। जूलियट कौन? मैं। और रोमियो कौन? तुम। जब तक रोमियो की मोहब्बत जरूर कामयाब होगी। जूलियट माय लव, माय स्वीट हार्ट, माय ड्रीम। मेरे मुंह पर मूछें नहीं दिखाई देती। लव इज ब्लाइंड माय डार्लिंग, मोहब्बत बिल्कुल अंधी होती है। ये बात है। कम ऑन डार्लिंग, कम ऑन। कहाँ चल रही है चोरी चोरी? मैं अभी आता हूँ। नहीं, हमें अकेला छोड़कर तुम नहीं जा सकते। देखो हमारा सिंगर, इस लिबास में हम कैसे लगते हैं? उड़न खटोला। उड़न खटोला? You're naughty fella. You're naughty baby. आप बैठ कर मीठी मीठी बातें करें। मेरा मुंह बहुत कड़वा है आज। थोड़ी सी चीनी खा लो बेटा, हो जाएगा। तुम बैठो, मैं अभी चीनी खा कर आता हूँ। Oh no, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। चलिए। माँ कितने बजे होंगे? जितने कल इस वक्त बजे थे। अरे तू क्यों पूछती है? यूं ही ऐसे। माँ कितने बजे होंगे? जितने कल इस वक्त बजे थे। अरे तू क्यों पूछती है? यूं ही ऐसे। मैं भी जवां है, दिल भी जवां, कैसी सुहानी रात है। तुम पास हो कर दूर हो, ये
कितने सितम की बात है। मैं इश्क का अफसाना हूँ, तुम शम्मा मैं परवाना हूँ। जलना जलाना छोड़ दो छोड़ दो, अब उम्र भर का साथ है। तुम पास हो कद दूर हो, ये कितने सितम की बात है। मैं भी जवां दिल भी जवां, कैसी सुहानी रात है। तुम पास हो कद दूर हो, ये कितने सितम की बात है। मुसीबत में फंस गए वरी, इन दोनों को तो अब तक मिर्गी का दौरा जकड़े हुए। वरी कोई ऐसा प्रोग्राम बनाओ कि ये दोनों फुदकने लगें। आप लोग बैठे, मैं नाच सिखाती। अरे नाच नहीं, कवाली गाओ कवाली। जब तक महफिल का रंग नहीं बदलेगा, इन दोनों को होश नहीं आएगा। वरी गुस्सा सूख दीजिए कर्नल साहब। तुम ही मान जाओ बहन। एक शेर है तो वरी दूसरा पौने दो, बात बनने कैसे। तशरीफ रखिए कर्नल साहब, आप भी बैठ जाइए भाभी साहिबा। तू अभी तक जाग रही है? बत्ती बुझा दे बेटा, नींद आ जाएगी। इस लिबास में हम कैसे लगते हैं? जी आप लगती तो अच्छी हैं, लेकिन इसे पहनकर आप ये भूल जाती हैं कि आप लड़की हैं या लड़का। इसी चीज का नाम है मैंने कॉलेज की स्टेज पर 5 साल तक रोमियो का पार्ट अदा किया। आओ आओ बैठ कर दो मीठी मीठी बातें और कर ले। बोलो हमारे यहाँ कब आओगे? जी किधर ध्यान है? जी आप ही की तरफ तो देख रहा हूँ। मैंने पूछा था हमारे यहाँ कब आओगे। बस आप गए और मैं आया, अब आपके बगैर मेरा दिल थोड़े ही लग सकता है। इसी चीज का नाम है मोहब्बत। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। शुक्रिया, चलिए गाड़ी तैयार है।
जरा ये फूल मेरे बालों में लगा दो प्लीज। बेटा आओ, इंतजार कर रहे हैं। राव की तो की दिशा अब तक गालिब है। अरे भाई घर से निकलते वक्त मुहूर्त निकलवा लिया करो दोनों। घर चला शोफर। कल रात ना आ न सका। कोई बात नहीं, उस पागल लड़की ने बुरी तरह घेर रखा था। ठीक है। नाराज मालूम होती है? जी नहीं। सुनो तो। मैंने समझा था तुम कमरे में अकेले हो। फरमाइए क्या हुक्म है? जो कुछ मेरी आंखों ने देखा क्या वो सच है? जी। हा? तो क्या इरादा है? शादी 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 शादी। कोकिला गरीब लड़की है, जरा अपनी पोजीशन का ख्याल करो। मोहब्बत के मतवाले तख्त और ताज को भी ठोकर मार देते हैं। मेरा फैसला अटल है मामू।
लो, तू यहाँ बैठी है और मैं सारा जहान खोजती फिरती हूँ। देख तो सही मेरे हाथ में क्या है। छोटे सरकार ने भेजा है तेरे लिए, ले और ले जल्दी से। तो जरा मैं भी तो देखूं अपनी बिटिया का सिंगार। नहीं नहीं, हमें इसकी जरूरत नहीं। इनकार नहीं किया करते मेरी बच्ची, छोटे सरकार बुरा मान जाएंगे। उन्होंने शौक से भेजा है ये तोहफा। देख तो सही कितना अच्छा लगता है तेरे मुखड़े पर। वी माँ, तुम्हें देख कर शर्मा गई है। मुझसे शर्माती है? अभी करता हूँ ठीक। तुम मुझे देखकर सिमट क्यों जाती हो कोकिला? मैं तुम्हारी गलत फहमी को दूर करने आया हूं। इस मोहनी सूरत की कसम, मुझे उस पागल लड़की से कोई दिलचस्पी कोई वास्ता नहीं। मैं तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं और ये राज मैं तुम्हारी मां पर भी जाहिर कर चुका हूं। कोई जवाब नहीं। ये तस्वीर मेरे ससुर जी की है। जी, मेरा मतलब है तुम्हारे पिताजी की। इनसे कहो कि हम दोनों को आशीर्वाद दें। पूज्य पिताजी, आपको कोई एतराज तो ना होगा? एतराज किस बात का? मैं इनके सामने तुम्हारा। तुम्हारा क्या? हटिए। फूल से गालों पे मतवर चालों पे मैं हूँ फिदा को दिल रुबा। फूल से गालों पे मतवर चालों पे मैं हूँ फिदा को दिल रुबा। दिल है रंगीले रंग रंगीले नैन नशीले हूँ। फूल से गालों पे मतवर चालों पे मैं हूँ फिदा को दिल रुबा। बहार आई चमन में कली 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 हजार फूल खिले हैं तेरी खुशी के लिए। ये तेरा प्यार ये तेरी हंसी ये तेरी नजर। ये तेरा प्यार ये तेरी हंसी ये तेरी नजर। बड़े हसीन बहाने हैं जिंदगी के लिए। दिन है रसीले रंग रंगीले नैन नशीले हूँ। फूल से गालों पे मतवर चालों पे मैं हूँ फिदा को दिल रुबा। गया करार दिले बेकरार के दिन है। अरे यही तो मोहब्बत के प्यार के दिन है। तुझे सजाऊं सवारूं मेरे करीब तो आ। तुझे सजाऊं सवारूं मेरे करीब तो आ। दिलों की जीत हो हाथों में अपना हाथ रहे। मेरे लबों पे तेरा नाम तेरी बात रहे। चले जवान बहारों के गीत गाते हुए। चले जवान बहारों के गीत गाते हुए। कदम कदम पे मोहब्बत हमारे साथ रहे। दिन है रसीले रंग रंगीले नैन नशीले। फूल से गालों पे मतवर चालों पे मैं हूँ फिदा को दिल रुबा। फूल से गालों पे मतवर चालों पे मैं हूँ फिदा को दिल रुबा। रूपा को अपनी बहू बनाने के बारे में आपकी क्या राय है? मेरा ख्याल है कर्नल साहब इसीलिए बार बार यहाँ आते और बार बार रूठ कर चले भी जाते हैं। अजीब वो बड़ा सिरफिरा आदमी है। कुमार को दिन रात लेफ्ट राइट कराता फिरेगा। तो फिर कुछ और सोचिए, लड़का जवान है, कहीं ना कहीं शादी तो करनी ही पड़ेगी। राजकुमार अशोक राजा मोती सागर का इकलौता बेटा है। उसकी शादी तो किसी ऐसी लड़की से होनी चाहिए जो सारे हिंदुस्तान में नंबर एक। ऐसी लड़की आसमान से टपकेगी? ओह बड़ी मोटी अकल है तुम्हारी। हम अपना कमाल वड़ी तुम्हें कल सुबह दिखाएं। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है कि हम अपने इकलौते बेटे
राजकुमार अशोक का ब्याह करना चाहते हैं, मगर किसी ऐसी लड़की के साथ जो लियाकत, नजाकत और शराफत में नंबर एक। वरी आप लोग इस मामले में हमारी क्या मदद कर सकते हैं? मदद? गुस्ताखी माफ हो अन्नदाता, अगर सरकार का हुक्म हो तो हम लोग जमीन और आसमान को हिला सकते, धरती पर न मिले तो आकाश से बुला सकते हैं। एडिटर के एडिटर के कलम में बड़ी ताकत होती है सरकार। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, मराठी, तमिल, तेलुगु, सिंधी, पंजाबी और जाती अखबार मिलकर डो 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 पीटेंगे तो एक नहीं हजारों लड़कियां घर छोड़कर टेबल पर आ बैठेंगी। जी हाँ, वरी आदमी होशियार मालूम होते हो। होशियारपुर के लोग होशियार हुआ करते हैं सरकार, वो मेरा वतन है। अब बंदे ने तो इश्तहार की सुर्खी भी तलाश डाली है। जी हाँ, सुर्खी? सुर्खी किस स्त्री का नाम है? हेडलाइन सरकार, हेडलाइन इश्तहार पर मोटे मोटे हरफों में लिखा जाएगा, अनोखा स्वयंवर। माफ कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक, बड़ी एकदम ठीक। बाकी हम पर छोड़ दीजिए, ऐसी ऐसी गुलकारियां होंगी सरकार के पढ़ने वाले चित हो जाएंगे। एडिटर के कर, एडिटर के कर, एडिटर के कर कलम में बड़ी ताकत होती है सरकार। Okay.
है खाप जेल का, खेल मेल का खत्म न हो जाए, दीवाना दिल जाए अब मुझसे रहा ना जाए, ये वक्त प्यार का दिन बहार का जाके फिर न आए, दीवाना दिल जाए अब मुझसे रहा ना जाए, ये वक्त प्यार का दिन बहार का जाके फिर न आए। जानती हो हम लोग कितनी दूर निकल आए हैं? जी हाँ, इतनी दूर कि अब मेरा पीछे हटना मुहाल है। सच कहती हो? बिल्कुल सच। तो फिर इस जल को हाथ में लेकर कसम खाओ। हे प्रभु, मैं इस पवित्र जल की कसम खाती हूँ, अगर मेरी मोहब्बत कामयाब ना हुई तो मैं अपनी जिंदगी का खात्मा कर लूंगी। अब तुम खाओ कसम। हे धरती माता, मुझे तेरे सर की कसम, अगर इस डरपोक चुहिया ने गंगाराम का साथ न दिया तो मैं इसी जगह इसी जल में डुबकी लगाकर डूब मरूंगा। हरिओम हरिओम स्वाहा। अनोखा स्वयंवर, व्हाट नॉनसेंस! क्या हुआ? इस राजा के बच्चे का दिमाग चल गया है, बेटे के लिए स्वयंवर रचाने निकला है। स्वयंवर? अब क्या होगा? तुम्हारा सर, चाय बनाओ जल्दी से। तुम्हारा सत्यनाश मुझे ना दिया है मेरा। बाप रे बाप, तुम और अखबार, मैं तो समझा था तुम जाहिल हो पढ़े दर्जे की। जाहिल ना होते तो तुम पे भरोसा क्यों करते? इधर हमसे वादा, उधर स्वयंवर का इश्तहार। इश्तहार? कोई बात नहीं, हमने भी जल हाथ में लेकर कसम खाई थी। कसम तो मैंने भी खाई थी। हाँ, मट्टी हाथ में लेकर। मट्टी? धरती माता की कसम खाई थी मैंने। उससे क्या होता है? तमाशा देखना चाहती हो तो मैं चला। ठहरो। हमारी जान पर बनी है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है, आखिर हम क्या समझे? मुझे राजा समझो और अपने आप को रानी, बाकी सब बकवास। रानी चंदा एक लड़की के लिए परेशान थी, यहाँ सैकड़ों तस्वीरें यहाँ पहुँची हैं, दिखा हमारा कमाल। जी हाँ, जब ही तो लोग आपको राजा बहादुर कहते हैं। अरे वाड़े, हम एक नहीं पूरी आधी दर्जन लड़कियां ढूंढ निकाली है हमने, एक से एक बढ़िया, एक से एक नफी, हमारी मानो तो वरी इन सबको अपनी बहू बना लो जल्दी। शर्म नहीं आती आपको ऐसी बातें करते? लाइए शीशा मेरे हवाले कीजिए। ओहो, तो आज माताजी पिताजी जो बने बैठे हैं। कुमार ले शीशा और अपने मनपसंद लड़की छाप कर जल्दी बता दो। मगर ये चूचू का मुरब्बा कहाँ से आया है? अरे बेटा, ये सब हमारी तरकीब है, पूरा 1,00,000 रुपया खर्च हुआ इस काम पर। दिल बड़ा है, जबी तो लोग राजा बहादुर कहते हैं आपको। कहाँ चल दिया? आँखों में सुरमा लगाने, ये बारीक काम है माँ, और मेरी नजरें हैं कमजोर।
डटे रहिए डटे रहिए, आपका इंतखाब बड़ा लाजवाब होता है। जो कुछ हो रहा है उसका गम न करना, जो कुछ होने वाला है उसका इंतजार करना, बस यही है मेरी इल्तिजा। कुमार, 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 गजब हो गया कुमार। क्या हुआ मामू? क्या बताऊं भैया, बैठे बिठाए मुसीबत में जान पड़ गई। मगर कुछ कहो तो। राजा बहादुर का हुक्म है कि मैं सारे हिंदुस्तान का चक्कर लगाऊं और इन लड़कियों के बारे में छानबीन करके वापस आऊं। तुम्हें बताओ बेटा, मैं बूढ़ा आदमी और ये सरदर्दी का काम। घबराने की कोई बात नहीं, मुझे एक तरकीब सूझी है। वो क्या? ये सब बाद में बताऊंगा, तुम जाकर सफर की तैयारी करो। गोया कि मुझे ही जाना पड़ेगा। मामू डियर, ये सब राज की बातें हैं, किसी ने सुन लिया तो भांडा फूट जाएगा। तो फिर कान में बता दो, हम दोनों के सिवा इस कमरे में और है कौन? वो देखो, तू क्यों हमारी बातों को सुन रही है? शरीर कहीं की। चल रहे थे गाड़ी। जीते रहो बेटा। जा रहा हूँ। पहाड़ पर जा रहा है। पहाड़ पर? अरे घर में स्वयंवर रचाया जा रहा है और ये बेटा बड़ी पहाड़ पर जा रहा है, कोई जरूरत नहीं जाने की। अभी तो लड़की का इंतखाब भी नहीं हुआ, मैं यहाँ बैठकर मक्खियाँ मारूंगा? मैं सेहत बनाने जा रहा हूँ माजी। जरूर जाओ बेटा, सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अरे सुनो तो। अरे समझ गया बेटा। रोक दो गाड़ी। हाँ। इरादा बदल गया? जरा कोकिला की कर लो, सफर अच्छा कटेगा। कोकिला, 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 कोकिला कहाँ है माँ जी? बाजार गई है बेटा। ओ अरे तू यहाँ, कुमार उधर गया। आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ, चलोगे हमारे साथ? कहाँ? स्टेशन। स्टेशन? अरे वो देखो वो आ गया, छुप जाओ जल्दी से। कर लिया दर्शन? वो घर में नहीं है। तो फिर चलो भैया, वक्त थोड़ा है और स्टेशन दूर है, गाड़ी छूट गई तो प्लेटफार्म पर सोना पड़ेगा। चलाओ गाड़ी। चलो मम्मी, सामान रख दिया है गाड़ी में। चलो बेटा, बन्ना बन्ना बना अच्छे बिगड़ जाएगा। चलो कहाँ की तैयारी है, किधर चल दिए माँ बेटिया हमसे पूछे बगैर? मत रोको डैडी, ये हमारी इज्जत का सवाल है, हम फैसला करने जा रहे हैं। कैसी इज्जत और कैसा फैसला, साफ साफ बताओ। तुमने तो आंखों पर पट्टी बांध रखी है और वहाँ कुमार के रिश्ते के लिए सैकड़ों तस्वीरें आ पहुंची, मौका हाथ से निकल गया तो हाथ मलते रह जाएंगे हम लोग। बको मत। डैडी, राजा बहादुर ने हमें धोखा दिया है, हम कुमार को किडनैप करने चले हैं। शट अप, बड़ी आई टार्जन की बेटी। मगर सुनो तो, कुमार रूपा के बगैर किसी और से शादी करने के लिए तैयार नहीं, हमें जाना ही पड़ेगा। चलो बेटा। रुक जाओ, हम कहते हैं। डैडी हम नहीं रुक सकते, बेचारे कुमार की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। चलो मम्मी। अटेंशन, अगर बगावत की तो कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा, मत भूलो कि तुम एक लड़की हो। कोई मार ले। और से निकले 20 बरस हो गए, वहाँ तो बहादुरी का मेडल हासिल न कर सके, घर वालों को हुक्म चलाना खूब जानते हो, हमें स्वयंवर में शामिल होना ही चाहिए। कर्नल जंग बहादुर अपनी बेटी को ब्याने के लिए ऐसे बेहुदा स्वयंवर में शामिल होने के लिए तैयार नहीं। तो फिर रूपा जिंदगी भर कुंवारी ही बैठी रहेगी, याद रखना। शट अप,
about them. Double mark. देखो देखो ऐसे कि दिया डोले मोरा, ये छब मतवारी ये मुख गोरा गोरा, न देखो देखो ऐसे कि दिया डोले मोरा। भोले भोले नैना मेरी जाने क्या इशारी, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे। पिया 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 yaadire yodudo didire tududo, main piya ko dikhaya main sang sang dalu, tujhai jo saiya main saath tere holu, main piya ko dikhaya main sang sang dalu, tujhai jo saiya main saath tere holu। ye rutu man bhati ye din madhumate, ओ देखो गोरी हम तुम चले हैं हंसते गाते। ये ऋतु मनु भाती ये दिन मधु माते, ओ देखो गोरी हम तुम चले हैं हंसते गाते। मेरे पिया झूमे दिया झूमे ये नजारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे। पिया 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 मोरा दिया पुकारे, हम भी चलेंगे दुनिया संग तुम्हारे, हम भी चलेंगे दुनिया संग तुम्हारे। पिया 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 जा रहे हैं, मगर हम क्या करेंगे अकेले? तो फिर बैठ जाओ गाड़ी में, ढाके बंगाले की सैर करा लाऊं तुझे। माँ चोटी ना काट डालेगी हमारी। तो फिर माँ से इजाजत ले आओ जाकर। हाँ, इतने में गाड़ी छूट जाएगी और हम रह जाएंगे रास्ते के बीचों बीच, इस पार न उस पार। तुझे पार लगाने के लिए तो ये सब पापड़ बेलने चला हूँ। पापड़ ही बेलने हैं तो हमारे सामने क्यों नहीं बेलते? अरे अगर यहाँ बेलने बैठ गया तो हम दोनों चपटे हो जाएंगे। घबराती क्यों है, 15 दिन में सबका पत्ता काट कर चलाऊंगा। अब जरा मुस्करा दे, तेरे दांत हमें बहुत अच्छे लगते हैं। अरे राम, बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा। मैं हूँ राजकुमार का मामू और इनका नाम है? हमारा नाम है जानकी नंदन हरि निरंजन अमृतांजन फटाफट। जी हाँ। अरे मास्टर जी मुंह क्या देख रहे हो, गस तराजू निकालो ना, आप तो शुरू कर दो। जो हुकुम सरकार। हाँ। Thank you.
हुई माँ, ये क्या करता है? करता नहीं, कामिज बनाएगा। चुपचाप खेड़ी रहो, नाक तोल में गड़बड़ करने से घाटा पड़ जाएगा। लेकिन हुजूर, कद सवा पाँच फुट, कद सवा पाँच फुट, कंधा सवा छ फुट, कंधा सवा छ फुट, और कमर सवा सात फुट, सात फुट। नाक तो छोटी, आंख तो मोटी, गर्दन मदार और दुम गायब। दुम गायब, भालो भालो। मुक्ति खोलो देवी, आ आ, बाबा बाबा, बिल्कुल असली दांत दिखाई देते। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस चौबीस चार अट्ठाईस। बाप रे बाप, पूरा चार ठो दांत कम। चार दांत कम अग्गे हैं। पौधा देवी का अकल दाल गायब, गायब। लड़की पेट भर खा नहीं सकती, ठीक तरह से चबा नहीं सकती, हर वक्त बीमार रहेगी, जिंदगी से बेजार रहेगी। अटकल का टोटा है, यानी कि माल खोटा है। खोटा? जी हाँ, अभी हम जाता बनारस का टिकट कटवाता। टाटा, राम राम। ओठो मामू, और सलाम सलाम सलाम। हाँ तो छड़ा लोक की छड़ा कोटा कर। भाई वाह, बनारस की साड़ियां तो खूब होती हैं, मगर बनारस के मालती का जवाब नहीं। दूध की तरह सफेद और बर्फ की तरह ठंडी। लड़की लाजवाब है, यानी कि हमारा टूर कामयाब है। मुंशी जी। जी हुजूर। जी भर के तारीफ की, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। मेरी भी यही राय है सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सब तो ठीक है, मगर मालती देवी को यरकान की बीमारी है, यानी कि दूसरी दुनिया में जाने की तैयारी है। ये मर्द ला इलाज है प्यारे, जिंदगी से जवाब है प्यारे। प्ले की तरह यरकान भी छूत की बीमारी है, आज इसकी कल अपनी बारी है प्यारे, भागिए। मगर सुनिए तो हुजूर। माफ कीजिए हमारा कसूर, वक्त कम है, जाना है दूर। नमस्ते चौबे जी। वाह कमाल है, यानी कि हर रजा में मिसाल है। मुंशी जी, रिपोर्ट लिखिए फौरन। मैं लिख रहा हूँ हुजूर। बाकी खूबियों के साथ साथ ये जरूर लिखना कि रंग मुस्की है, न खांसी है, न खुशकी है, नाचती भी है और गाती भी, मुस्कुराती भी है और सर हिलाती भी। बिल्कुल ठीक है। नाक नक्शा अच्छा है, मगर हुजूर अभी ये बच्चा है। अब बच्चा नहीं, 20 वर्ष की उम्र है मुंशी जी। मैंने हुजूर ये भी लिख लिया। अच्छा, अगर राजा बहादुर को नाटक मंडी खोली तो इससे अच्छी लड़की नहीं मिल सकती। एक टिकट में दो स्वाद। उठिए गेटकीपर साहब, पहले चलकर टिकट छपवाने, सारे शहर में पोस्टर लगवाने हैं, बोलो भारत नतन की जय। आपका नाम? कमला कमलानी। बाप का नाम? बुद्धू अडवानी। माँ का नाम? सरगम सिंतानी। घर मकान पर है आपका? जी हाँ, वही कुठे से चौबारा है, आंगन में फुवारा है, दो मंजिला मकान है, दस कमरे एक दालान है। खूब खूब खूब, बड़ी तालीम कहाँ तक पाई है, इन हाथों में मेहंदी क्यों लगाई है? पढ़ने लिखने में अभी कच्ची हूँ, मेहंदी इसलिए लगाई है कि मैं बच्ची हूँ। दूध के बदले अंगूठा चूसती हैं अभी, गोया की पाले में ही कूदती हैं अभी। ये शादी की दरख्वास्त आपने भेजी थी? जी नहीं, मेरे बाप ने भेजी थी। ये तस्वीर आपकी है? नहीं तो क्या मेरे बाप की है? मैं पसंद हूँ तो हाँ कहूँ, वरना अपना रास्ता ना हो। चलिए हुजूर, कहीं रेगिस्तान की गर्मी से अपना मिजाज भी गर्म ना हो जाए। और फिर ये तो अभी बच्ची है, डबल रोटी है मगर कच्ची है, बड़ी बाय बाय सरगम तीन तानी, कदर मोरी ना जानी रतीन तानी, कदर मोरी ना जानी रतीन तानी। आओ कुड़िए, दे जा शहर लाहौर अनारकली से बसंती हट्टी पर लेगी, और यह आपकी बसंती। डाडी गल की चीजें सुने हो, मेरी बसंती गुणा दी गुथली है, कबड्डी खेलती है, चरखा काटती है,
आटा गूंद दिया है 20 ढेर पट्टा। क्यों ना हो, आखिर आपकी बसंती ने पंजाब का पानी पिया। मैं आख्या ना गुड़ा दी गुथरी है मेरी बसंती, एक टोले से गाना छोड़ोगे तो चित हो जाओगे। छोड़ो सुना कुड़िए, सुबह में कीड़े वाले मैकेनिया तो तुम्हें रबका ना लेके एक ठन्ना लस्सी का तो खेती के नाम। एक कटरा मुझे भी मिल सकता है, जीप सूख रही है मेरी। पूरी बरतोई पियो छोड़े हो, गोली किसकी तक कह रहे किसकी। वेरी गुड वेरी गुड, क्या गाती हो, जैसे बरसात में मेंढक, जैसे तबेले में भैंस। शू धरी करे बचंती जी, ये गाना आपने कहाँ से सीखा है। ते ए मैंने नहीं दसना जी, ते मैंने शर्म मान ली है। इतनी बोली है मेरी बसंती, ते क्यों हम मान खुजवाया वे के नहीं। अरे मजा आ गया थोड़ी हो, तुसी फिकर ना करो, राजकुमार की बारात इतने ही आएगी। ते मैं ते एगा जे फकड़ कुड़ी नु डोली पा देंगा, बाकी तुसी जानो ते तोड़ा कम। अजी लेने देने पर खाक डालो, मोहब्बत पाक होनी चाहिए सोनियो। आप बसंती को लाल बनाइए, हम राजकुमार को पीला बना कर लाते हैं। बधाइयों बधाइयों, जम जम आओ सोनियो। चलो सोनियो, चलो, बड़ी कोलापुर बहुत दूर है अभी। तेरी पावा जी, तेरी बेनिया, तेरी बेनिया जी। बाप रे बाप, क्या लाठी घुमाती है, अजी तलवार भी चलाती है। अच्छा, 500 धन और 1000 बैठक हर रोज लगाती है। दारा सिंह से कुश्ती लड़वाइए, वीर कन्या का खिताब पाइए, टिकट बेचने का इंतजाम मैं करूंगा। धोबी पथड़ा ऐसा जमाती है कि इंसान दंग रह जाए। कलाजंग ऐसा लगाती है कि किंकों पैतरा भूल जाए। हाँ बेटा, अपनी कारीगरी का कमाल दिखाओ। बाप रे बाप, मैं कहाँ हूँ। कोल्हापुर में। और मामू कहाँ है। शोलापुर में। अस्पताल कितनी दूर है, कमर चूर चूर है। मामू जान जागिए, तुम दबा के भागिए। पहलवान साहब हम अभी आते हैं, राजा रानी को तार भेजकर बुलवाते हैं। हेल्प हेल्प, पुलिस पुलिस पुलिस। बेटी तुम्हारे तो अड़ियल तट्टू है, अड़ गए तो अड़ गए, मगर मैं इस रिश्ते को नहीं छोड़ सकती। लिखो जल्दी, लिखो जल्दी, और ये अपनी फोटो भी डाल दो लिफाफे में। मैं जानती हूँ कुमार तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। ये क्या हो रहा है, चोरी चोरी। कुछ नहीं कुछ नहीं, जाओ फोन कर अपना। बगावत के जुर्म में आज फिर तुम्हारा कोर्ट मार्शल किया जाएगा। तुम रूपा के जिंदगी को तबाह करके छोड़ोगे। अटेंशन, तुम करनैल हो तो मैं भी जरनैल की बेटी हूँ, अब तुम्हारा कोर्ट मार्शल मैं करूंगी। What? Shut up! रोक दो गाड़ी। तुम चलो मामू, मैं भी आता हूँ। मगर वहाँ राजा बहादुर के सवालों का जवाब कौन देगा। रिपोर्ट बना दी है, बाकी समझा दिया है, हिम्मत से काम लो मामू। हिम्मत, तुम मुझे चौक के मुंह पर बांध कर छोड़ोगे। चल भैया। सीताराम 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 सीताराम। हे थापड़ के पापड़, बनारस की चूड़ी, जयपुर की बिंदिया, फरीदाबाद की मेहंदी, दिल्ली की मिर्ची, पंजाब की लस्सी, लखनऊ का नखरा, बरेली का सुरमा, आवा 4 पैसे में पुड़िया, 2 पैसे में पुड़ा। ठहर जा फेरी वाले।
आप? अरे जा जा, मैं नहीं, फेरी वाला। लेकिन ये क्या हुलिया बना रखा है आपने? तुम्हारी खातिर जाने क्या कुछ करना पड़ेगा। इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। लेकिन आप आए कब? मानो तो अभी, न मानो तो 20 दिन पहले। उठाओ अपना सामान। हमें आपकी जरूरत थी, चीजों की नहीं। मैं भी हाजिर हूँ। जिस काम से गए थे उसका क्या हुआ? सबका पत्ता काटा हूँ, मगर एक का नहीं कर सका। फिर क्या होगा? यही मैं सोच रहा हूँ। दरअसल वो लड़की मेरे दिल को भा गई। बहुत सुंदर है क्या? मैं उसकी तस्वीर भी लाया हूँ, देख सकोगी? कोशिश करूंगी। ओ हो वाह वाह। भगवान की कारीगरी का नमूना देखना हो तो इसे गौर से देखो। देखो गौर से देखो। सचमुच बड़ी सुंदर है। ये लड़की जमीन से मिली या आसमान से? समंदर में डुबकी लगाई थी। आहा, जिस चीज की तलाश थी भगवान ने वही दे दी मुझे। थैंक यू गॉड। क्या मिल गया है बेटा, बहुत खुश नजर आते हो। आइए आइए माँ जी, आपको अपनी होने वाली बीवी की तस्वीर दिखाऊं। कोकिला तो देखते ही बर्फ बन गई है, आप आइसक्रीम बन जाएगा। देखिए, सचमुच बड़ी सुंदर है, लेकिन उम्र ज्यादा दिखाई देती है। 60 बरस से ज्यादा उम्र की नहीं माँ जी, 6 महीने इधर या उधर। जब तुम्हें पसंद है तो फिर उम्र का क्या सवाल। ये कही मतलब की? आहा, लैला को मजनू की आंख से देखना चाहिए। अरे इसके मुंह पर तो मूछें भी हैं। तो क्या मूछें मुड़वा डालूं? माँ जी ये शीशा है, शीशा यानी कि आईना। आईना? जी हाँ, ये रहा आईना और ये चला बंदा। वरी इस रिपोर्ट को पढ़कर तो पता चलता है कि 6 लड़कियों में से एक लड़की भी हमारी बहू बनने के काबिल नहीं। जी नहीं। यानी कि सबकी सब निकम्मी और बदसूरत। जी हाँ। कहीं गलत जगह पर तो नहीं पहुंच गए थे? जी नहीं। तमाम शहरों का चक्कर लगाया था नहीं? जी हाँ। जी हाँ, जी नहीं के सिवा कुछ और भी याद है? जी नहीं। फिर वही बकवास, कुमार कहाँ? जी वो, मैं यहाँ हूँ पिताजी। नमस्ते माता जी। जी तेरा बेटा। आखिर ये सब क्या है? हमने लड़की खोजने के लिए 1,00,000 रुपया खर्च कर डाला, कागज उठा लाए हो? जैसा देखा वैसा लिख दिया। और ही? मेरा मतलब है मामू से पूछिए, यही गए थे। और बेटे तुम कहां से आ रहे हो? मैं तो पहाड़ पर गया था पिताजी, आपको याद नहीं रहा? और सामान कहां है तुम्हारा? सामान? ये भी मामू से पूछिए, इन्हीं के पास था। वरी पहाड़ से तुम आए हो और सामान मामू के पास? अजी वो कुली ने गलती से मेरा सामान भी इनकी गाड़ी में रख दिया था, मैं तो पहाड़ पर बस इन्हीं 2 कपड़ों में नंगा फिरता रहा। चुप रहो जी। वरी हमें दाल में कुछ काला नजर आता। काला? दीवान जी। यस सर। इधर आओ। यस सर। अभी जाकर एक्सप्रेस तार दो। यस सर। उन तमाम लड़कियों को यहाँ बुलाने का इंतजाम करो। यस सर। अब बड़ी ये इंतखाब हम खुद करें। यस सर। यस
गए दुल्हा रह गए जी में जल के हाँ तू न बता हमें सब है पता दिल में है क्या तेरे दिल में है क्या तू न बता हमें सब है पता दिल में है क्या तेरे दिल में है क्या भूले हाँ तू न बता हमें सब है पता दिल में है क्या तेरे दिल में है क्या तू न बता हमें सब है पता दिल में है क्या तेरे दिल में है क्या चलकर खाना तो खा लो बेटा आखिर भूख हड़ताल क्यों शुरू कर दी है तुमने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो मम्मी फॉर गॉड सेक लीव मी अलोन आखिर तुम करना क्या चाहती हो कोई नहीं रोमी और जूलियट ने किया था दो लाशें तड़पती हुई नजर आए एक यहां एक वहां मम्मी नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता आओ मेरे साथ घर में जवान बेटी कुंवारी बैठी है और यहाँ कर्नल बहादुर चरेट फूंक रहे हैं मैं पूछती हूँ कुछ किसका भी ख्याल है तुम्हारा मतलब है हम अंधे हैं आंखें होती तो इस गरीब की हालत को देखते मैं कहती हूँ अब भी कुछ नहीं बिगड़ा सुना है राजा बहादुर को एक भी काम की लड़की नहीं मिली हमें भी कोई काम का लड़का दिखाई नहीं देता समझ में नहीं आता क्या किया जाए रूपा की खातिर मुँह मीठी कर लो लड़की वाले झुकते आए हैं और झुकते ही रहेंगे सारी उम्र सोचेंगे गौर करेंगे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा तो फिर बांधू सामान दो मिनट मुंह पर हाथ रख लेना दादा साहब को मैं राजी कर लूंगी कह जो दिया सोचेंगे आप ये हमारी मूछों का सवाल है तो फिर मूछें मुड़वा डालो ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते ये भी सोचेंगे कोर्ट मार्शल मगर सुनो तो फिर वही बात राइट सर ओ बाप अबाउट सर बाप रे बाप सवाल मारो दीवान जी यस सर मेहमान आ गए यस सर सब के सब यस सर खा पी चुके यस सर उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं यस सर क्या तकलीफ तकलीफ नो सर नो तकलीफ नो तकलीफ बड़ी सौ बार समझाया है कि अंग्रेजी बोलना छोड़ दो मजबूरी है सरकार अंग्रेज आदत बिगाड़ कर चला गया तो कम से कम ठीक तो बोला करो ऑल राइट सर कितने मेहमान 24 सर 24 मेहमानों को कहीं एक कमरे में तो नहीं भर दिया है नो सर 6 room 1 girl all well household हिंदुस्तानी में बात करो जी ऑल राइट सर फिर अंग्रेजी सॉरी सर मेरा मतलब है 6 कमरे 1 लड़की में व्हाट 6 लड़कियां 1 कमरे में राजकुमार की होने वाली तमाम बीवियां कमरा नंबर 7 होने वाले तमाम ससुर कमरा नंबर 11 होने वाली तमाम साले कमरा नंबर 16 होने वाले तमाम साले कमरा नंबर साले नहीं नौकर है दीवान जी हाँ मुझे मालूम है सरकार इसीलिए तो खोली में रखा है बोल चाल में जरा कच्चा हूँ मगर इंतजाम में बहुत पक्का हूँ हम अपने मेहमानों से मुलाकात करना चाहते हैं शौक से तशरीफ ले चलिए सरकार अब क्या होगा फंस गए ना आखिर कुछ तरकीब सोचो भैया सोच ले मगर क्या जूता चलते कभी देखा मामू जूता
जूता भी कभी चलता है? जरूर चलता है। ये रहा पटाखा, फटा कि जूता चला। बाप शेर है तो बेटा सबा शेर। और तमाशा देखा है? आइए तकलीफ लाइए, आइए आइए। गुड मॉर्निंग यंग लेडी, हाउ डू यू डू। उठो उठो राजा बहादुर, आप सबके होने वाले ससुर और आप है रानी साहिबा, यानी के राजकुमार की मदर इन लॉ। दीवान जी। यस सर। पूरी जबान को लगाम दो। दे दी सरकार। हम और रानी साहिबा आप लोगों से मिलकर बड़ी बहुत खुश हुई। क्या नाम है तुम्हारा? पौधा मुखुजे, हम कोलकाता से आया। गुड। और तुम? बनारस से, मेरा नाम मालती है। गुड। और तुम? मैं पंजाबण हां जी, ते नाम है मेरा बसंती। दादी कुड़िये रब दी सौ। और तुसी कित्थों आयो जी? ये मेड इन मद्रास है सरकार, दूसरी भाषा नहीं जानती। नाम है भानुमति। और तुम? एक कोलापुर की मुलगी आहे सरकार, अच्छा नाव है हीराबाई हलसेकर। गुड। ये बड़ी तीखी लड़की है, बड़ी इसका क्या नाम है? कमला कमलानी, हम सिंध से आया। वेरी गुड, हम भी सिंध से आया। एक से एक अच्छी, एक से एक सुंदर। अच्छा बच्चों, तुम लोग बैठो, हम दूसरे कमरे में जाते हैं। चलो रानी साहिबा। इतने लिया के डग दिता सानू, बैठे बैठाया मुसीबत पा दी गल। उठो इतो, अदब्बा मुलाहिदा, होशियार। राजा बहादुर और महारानी साहिबा की सवारी आती है। राजा साहब, पहले मेरी गल सुन यार, ना दुध ते ना लस्सी, हर वेले उबलिया होया पानी, वो भी कक्का, सानू नहीं चाहिए तेरी चाशा। दीवान जी, जी ये क्या फरमा रहे हैं? ये मेरे इंतजाम की तारीफ कर रहा है सरकार। वेरी गुड वेरी गुड, आप लोग यहाँ तशरीफ रखिए, फिर मुलाकात होगी। कितने फुट चले हैं? जरा गल कर साडे नाल। महाराज महाराज, डोंट वरी, लसीज कमिंग, लसीज कमिंग। कमिंग सोन पलवान, कमिंग। बाप रे बाप, चलो। बादअब्बा मुलाहिदा होशियार, मिस्टर एंड मिसेज राजा रानी साहिबा। हल्ला जी, ते ए वे रानी बीचा, क्यों नहीं, मेरी कुड़ी किथे है? दीवान जी, जी ये क्या फरमा रही हैं? ये फरमा रही हैं कि रानी साहिबा आप कितनी अच्छी हैं। अच्छी नहीं, मैं कुछ होर आखे है वे, ते ए साडे कमरे दे विच क्यों आया है? जा रहे हैं मैया, जा रहे हैं। चलिए सरकार चलिए, अभी एक दरबार बाकी। बाप रे बाप, चलो चलो। ये शादी लड़कियों से करनी है या उनकी माओ से? हमें बाप पसंद नहीं आया। और सरकार, अरे रचित कमिंग पलवान, थैंक यू। और सरकार, अगर आप राजकुमार के साले शरीफों को देखिएगा तो बस तबियत गार्डन गार्डन हो जाएगी। साले? यस यस। साले नहीं, नौकर है दीवान जी। हाँ हाँ हाँ, मुझे याद है सरकार, तशरीफ लाइए।
என்னங்கோ பழம் சாப்பிடுங்க. என்னப்பா சாப்பிடுங்க வேச்சு. ड्यूटी किसे गई मेरी? मेरी 60 रुपए की एयरपोर्ट वाली ड्यूटी. ड्यूटी किसे मेरी? अयो ड्यूटी है चेची, हमको नहीं मालूम, उधर जा. ओ बच्चू किसे लुकाई हो मेरी ड्यूटी? आमी जानी ना ओ जाने. आ कोल्हापुरी पलवान क्यों बच्चू साडे नाल भी बुद्धे? ओ मिल गया चिट्टा. बनारस वाली बड़ी, ये कपड़ा तेरा बाप धोएगा? धोएगा इसका बाप मेरी धोई जूती. मुंह संभाल के गल करने, खबरदार जो मेरे पियो का नाम लेता सबको सूक के सुख जाएंगी. बड़बड़ करो ना तो हमके ते कोल्हापुरी पहलवाना है, गर्दन घूर उल्टा किल. हाँ जी आई गर्दन तोड़ने वाली, आगे वधी ते खितर मारांगी सब. अच्छा काय तुझे पापा का राज है? बड़ी बड़ी खटपटी औरत है. हाँ ये बात है, ठहरो निमा ठहरो बस. हाय राम, ये तो राजकुमार की तस्वीर है, मेरे होने वाले पति की. इन्हें तोड़ी, बोले इसने तोड़ी, ये क्या कर जाए? इसने तोड़ी है, किसने तोड़ी है? तुम्हें भेजे तो. सरकार ने एक जमींदार को राजा का खिताब देकर दिमाग खराब कर डाला है. देख लिया इस अनोखे स्वयंवर का अंजाम? अरे ये सब उस दीवान के बच्चे का कसूर है. कम्बक का सारा इंतजाम गलत, बड़ी गलत है. बचाओ बचाओ. राइट के दीवान ब्रोकर, राजकुमार के होने वाले तमाम साले आपस में लड़ लड़ कर लहू लुहान हो गए हैं. पुलिस को बचाओ. क्या हुआ पिताजी? माताजी आपने पिताजी को पीटा है? लो और सुनो, अजी कुछ बोलो तो. घर में झगड़ा हो गया था बेटा, ढींगा मुट्ठी में अपना चौकटा भी ढीला हो गया. अरे बाप रे बाप. छी, मेहमान सुनेंगे तो क्या समझेंगे? अरे बाबा ये सब इन्हीं कमीनों की करतूत है, लाखों रुपए का सामान तोड़ के रख दिया है मेरा. कोई बात नहीं, शादी ब्याह वाले घरों में तो ऐसा हुआ ही करता है. कहिए बहू का इंतखाब हो गया? नहीं बेटा, बड़ी शाम से पहले पहले जरूर हो जाएगा. इस फैसले से पहले तुम्हें मेरे साथ फैसला करना होगा. भगवान के लिए इन भूतों को घर से निकालो बेटा. हैरो जी, बड़ी हमने 1 लाख रुपया खर्च किया इस काम में. जी अभी
का नुकसान और करके छोड़ेंगे। मैं पुलिस को टेलीफोन करती हूँ। पुलिस को तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं माता जी, मेहमानों ने खुद ही अस्पताल जाने का इंतजाम किया है। वो देखिए स्वयंवर के शहीदों की बारात। हर वेले कक्का पानी जुटी चोर सारे जमाने दे। ओ तकलीफ फूट आपस में पड़ी और हम कुंवारे रह गए, सब बराती चल दिए दूल्हा बेचारे रह गए। धिंग फटाफट धिंग रिपको धिंग फटाफट धिंग, नाल कैसे गले जबके जूता चले, ऐसी शादी से हम तो कुंवारे भले, ऐसी शादी से हम तो कुंवारे भले, नाल कैसे गले जबके जूता चले, ऐसी शादी से हम तो कुंवारे भले, ऐसी शादी से हम तो कुंवारे भले। कौन रूबी नाव मुड़ ओसा, अरे जाता उन्हें कदाए, अरे मुझ ले लाओ पार पार मोजा, वो देख के लागले मुने चाक, मुड़न पोई मोजा आंदा कोरमा का पुई जाए आंदा। दाल कैसे गले जब के दूता चले, ऐसी शादी से हम तो कुंवारे भले, ऐसी शादी से हम तो कुंवारे भले। हर जगह से नमूने मंगाए गए, सात घोड़े गधे सब बुलाए गए, हर जगह से नमूने मंगाए गए, सात ऐसी शक्लें जिन्हें देख कर दिल जले, ऐसी शक्लें जिन्हें देख कर दिल जले, ऐसी शादी से हम तो कुंवारे भले, ऐसी शादी से हम तो कुंवारे भले। धींगा मुश्ती हुई खूब झगड़े हुए, आधे लूले हुए आधे लंगड़े हुए, धूम धड़का चील झपट्टा बम टिक 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 बम 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 टिक टिक बम टिक टिक बम बम टिक बम बम टिक बम बम। ऐसे घूसे लगे ऐसे डंडे पड़े, सारे अरमान शादी के ठंडे पड़े, ऐसे घूसे लगे ऐसे डंडे पड़े, ऐसे घूसे लगे ऐसे डंडे पड़े, घूसे डंडा दे घूसे डंडा दे घूसे डंडा दे। बाप दौलत लूटा हाथ बैठा मले, बड़ी दौलत लूटा हाथ बैठा मले, ऐसी शादी से हम तो कुंवारे भले, ऐसी शादी से हम तो कुंवारे भले। दाल कैसे गले जब के जूता चले, शादी से हम तो कुंवारे भले। इगड़ बाबा हो पाली बहु इगड़ बाबा लो पाली बहु मां लगा तक तक पका हम पा हम पा बुम से बुम से। इगड़ बाबा हो पाली बहु इगड़ बाबा लो पाली बहु मां लगा तक तक पका हम पा हम पा बुम से बुम। एकदलो बारा बिजु किजु मुजु का देखजु, एकदलो बारा बिजु किजु मुजु का देखजु, बला 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 रे बला 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 रे ला 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 ला। बावड़ी का बिबड़ी का बिबड़ी का बावड़ी का बिबड़ी का बिबड़ी का बिबड़ी का बावड़ी का बावड़ी का बिबड़ी का बिबड़ी का बावड़ी। ओ बाजी बाही बसत बाजो राम। हाय राम, किसी ने देख लिया तो महल में आना जाना बंद हो जाएगा हमारा। किसी की मजाले जो बोले, सब की तबीयत दुरुस्त कर गए बराती। इस खुशी में रात का खाना और सुबह का नाश्ता तुम्हारे साथ होगा। सच? मानो तो सच, न मानो तो झूठ। खाना चटपटा और मजेदार होना चाहिए। गरीब की कुटिया में तुम्हें दाल रोटी के सिवा और मिल ही क्या सकता है? शांति, और वो भी फीकी अचार के सामने धरा होगा। हटिए, हट जाए। अब मुंह बंद कर लो अपना, चारों तरफ फूल ही फूल बिखेर दिए हैं तुमने। हम जाते हैं। हम आते हैं एक कपड़े बदल कर। बाप रे बाप। मा
माता जी, पिताजी, हम फिर आ गए कुमार। और ये क्या बात है दीदी? उधर देखिए रूपा, मेरी बच्ची। क्या था, तुमने याद किया? हम आ गए, इसे कहते हैं मोहब्बत। बड़ी आपकी तारीफ, अब काहे को पहचानोगे भाई? आवाज मर्दाना है मगर सूरत जनाना। ये शक्ल बड़ी जानी पहचानी दिखाई नहीं देती। क्या हुआ है मेरी शक्ल को? मैं जंग बहादुर हूं, कर्नल जंग बहादुर। आप और कर्नल जंग बहादुर? माफ करना हजूर, पर उनके मुंह पर तो ये बड़ी बड़ी मूछें हैं। इनके मूछों का सफाया हो गया है। ओ, जब तो हजूर पूरी लिबास भी कोई लच्छेदार पहना होता। सुनती हो इस नकली राजा की बकवास? जी, घर से निकलते वक्त क्या वादा किया था? मैं कुछ नहीं जानता, पहले इसका मुंह बंद करो। पहले अपनी गर्दन झुकाओ। झुका दो गर्दन, आखिर हम लड़की वाले हो। तुम कहाँ चल दिए बेटा? रूपा तुमसे मिलने आई है। बस अभी आता हूँ माँ जी, दो मिनट में। तो फिर इसे भी साथ लेते जाओ, हमें कुछ जरूरी बातें करनी है कर्नल साहब से। जाओ बेटा। आओ बेटा। अच्छी ठीक, आइए जनाब। और आप बड़ी इधर आइए जनाबा, तुम्हारी हालत पर रहम आता है, पर ये खड़े खड़े थक जाओगे सोनियो। हमने कहा जब मुझे ही साफ हो गई तो ये बड़ी अक्कड़ मुंह कैसी? कह चुके या और बाकी है? कह चुका। तो फिर बकवास बंद करो। तुम्हारे साथ झगड़ा करने को जी चाहता है। सिर्फ झगड़ा? गोली मार दो हमें। कर्नल साहब की बेटी को तो सुना है चार खून माफ होते हैं। आप बैठिए, मैं अभी आता हूँ। हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। क्या मुसीबत है, तुम चिपक जाती हो और वह घाटा पड़ जाता है कारोबार में। इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। अच्छा जी, तो आजकल तुम कारोबार भी करते हो? क्या खरीदते हो? दिल। और बेचते क्या हो? दिल। दिल का सौदा बार बार नहीं करते। और फिर तुम्हारा दिल तो किसी के पास गिरवी पड़ा है, नालिश कर दूंगी तुम पर, क्या समझे? यही कि हमार दिल कोई नहीं पासे गिरवी पड़ेला है। और जिसके पास गिरवी पड़ा है उसका नाम है रूपा रानी बी ए बेटी। टीबी हो डार्लिंग, टॉर्जन की बेटी, यानी कि तुम रूपा रानी बी ए हमें आप दोनों से शिकायत है। शिकायत? शिकायत कैसी? हमारी रूपा में क्या आयत था जो आप स्वयं पर अचानक बैठ गए? रूपा के बारे में न कभी आपने अपनी मंशा जाहिर की, न मामले पर गौर हुआ। वही हमारा कसूर बतलाई। अधिक कसूर तो इनकी मूछों का था, न मुझे बात चलाने दी न खुद मुंह खोल सके। माफ करना भाभी, वरी ये मूछें थी अलीगढ़ का ताला। अब तो इज्जत तुम्हारे हाथ में है। सुन लिया है यार, मर्दों की तरह आंख मिलाकर बात करो। वरी लड़की का बाप होना कोई जुर्म नहीं है। जहाँ तुम हो वही बैठने को जी चाहता है। जहाँ गुड़ होता है वही मक्खी बैठती है। मैं मक्खी हूँ? नहीं, मक्खा। यू नॉटी फेलो। अरे लाओ भाई लाओ, दो बेटे उठो तुम भी खाओ। मगर क्या? लड्डू लड्डू। अरे लड्डू? हाँ भाई वाह, मगर कैसे हैं ये लड्डू? सगाई के लड्डू। वाह मामू, तुम भी सुपर उत्तम निकले। इनकी नहीं, तुम्हारी सगाई हुई है बेटा रूपा के पास। रूपा के पास?
चोरी, आज तो बढ़िया कपड़े पहन रखे थे। तुम भी कपड़े बदल डालो माँ। क्यों? आज रात को वो रोटी यहाँ खाएंगे। वो कौन? बस इससे आगे ना पूछो माँ, हमें शर्म आती है। नमस्ते माँ जी। जीती रहो बेटी। नानी जी ने लड्डू भेजे हैं। लड्डू? कैसे हैं ये लड्डू? छोटे सरकार की सगाई हुई है। सगाई? जी हाँ, कर्नल साहब के लड़के के साथ। क्या बात है? क्या हुआ बेटा? पेट में गड़बड़ है माताजी। वो जुलाब का लड्डू था या लड्डू का जुलाब? डॉक्टर को बुलाऊं? डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं माताजी, मैं भी आता हूँ। माफ कीजिएगा हुजूर, माफ कीजिए। आप लोग खाइए। सोने भी दो, आओ चलें। आइए चलिए करना है साहब। तुम लोग जाकर आराम करो, वही हम और कर्नल साहब कुछ देर बैठकर बातें करेंगे। बैठिए कर्नल साहब।
सच पूछो तो मुझे भी एक मुसीबत है मर्द के मुंह पर। मेरी मानो तो तुम भी छुट्टी दे दो मूछों को। बड़ा स्वाद आता है मुंह पर हाथ फेर कर। स्वाद लेने के लिए वरी मैं तुम्हारे मुंह पर हाथ फेर लिया करूंगा। सोनियो शर्मा गए। हे दरबान इधर आओ। ये तुम्हारी पतलून क्यों ढीली है? एक मिसाल मुझे भी याद आई है। अभी सुनता हूं, बड़ी जवाब क्यों नहीं देती? दरबान कहीं भागा तो नहीं जाता? पहले मुझसे बात करो आकर। जाओ जी काम करो अपना। फरमाओ सोनियो। यो नहीं, अब बैठ कर बातें होंगी सोनियो। वरी ये बात है। ओहो, ओहो, तू तो नादान थी मगर मेरी अकल पर भी पत्थर पड़ गए थे। सबर से काम ले मेरी बच्ची। कौन? चौकीदार। राजकुमार ने अपनी जगह मुझे भेजा है दाल रोटी खाने के लिए। जल्दी लाओ मुझे भूख लगी है। यहाँ तो आज चूल्हा भी नहीं सुलगा चौकीदार भैया। है मतलब ये कि कुछ भी नहीं पकाया। अजीब लड़की है, दोनों तरफ से भूखा मरना पड़ा है मुझे। कौन कुमार? भला ये क्या मजाक है बेटा? मजाक? तुमने मेरी बच्ची का दिल तोड़ डाला है। इसका दिल तो मिट्टी का घड़ा है, बाद बाद में टूट जाता है। ये क्या है? लड्डू। लड्डू तो लाओ, आज यही खाकर अपना पेट भर लूं। ये तुम्हारी सगाई के लड्डू हैं बेटा। मेरी सगाई? अच्छा जी, तो ये इंतजाम भी कर रखा है आप लोगों ने? राजमहल से आए हैं, तुम्हारी सगाई की खुशी में बांटे गए हैं। मेरी नहीं, मेरे मामू की सगाई हुई है माँ जी। आपका मतलब है हमने गलत समझा है? जी हाँ, आपने गलत समझा है। दिन रात आपकी खातिर पापड़ बेलता हूँ और आप हैं जो हमारे लिए रोटी भी नहीं पकाती। हम अभी लाते हैं। रहने दो, आइंदा से भूल ना होगी। खाओ मेरे सर की कसम। भूख आपको लगी है? कसम हम खाएं। तो फिर मैं खाता हूँ। तो खाइए ना। मगर कुछ खिलाओ तो। अभी लाते हैं। लो भाई अब तो नींद आ गई है। बाखरी कर। गुड नाइट। वेरी गुड नाइट। औरी ये बत्ती किसने जलाई है? वरी अरे तुम जाग उठे, अब कैसी तबीयत है बेटा? है तुम कौन? और तू वरी यहाँ क्या कर रहा है? छोटे सरकार का इंतजार। और छोटे सरकार कहाँ है? फूल वाली की झोंपड़ी में रोज जाते हैं सरकार। उफ, तुम लोग बड़े नमक हराम हो। वरी पहले क्यों नहीं बताया? क्या बात है, क्या बात है, नौकरों पर क्यों बिगड़ रहे हैं आप? जानती हो वरी अपने लाडले के करतूत। धीरे बोलिए, घर में मेहमान आए हुए हैं। ओ वरी ये क्या मुसीबत है। बाहरी दाल, बाहरी बाजरे की रोटी और बाहरी भटियारन खूब पकाती हो। मैंने 3 दिन का राशन भर लिया है पेट में। अब 1 गिलास ठंडा पानी और 1 अदर चटाई मिल जाए, सुबह उठकर फिर खाना शुरू कर दूंगा। आपका तो पेट फूल गया है। परवाह नहीं, बड़े मजे की नींद आएगी। लाओ देखा, खाते ही हजम हो गया, अब और लाओ। मगर कितना खाइएगा? जितना तुम 1 साल में खाती हो। लाओ लाओ जल्दी लाओ, मुझे भूख लगी है। अभी लाते हैं।
कुमार माताजी घर चलो बेटा, डॉक्टर आया हुआ है। वो क्यों? तुम्हारे पेट में गड़बड़ थी ना? गड़बड़ नहीं तो, अरे हाँ लड्डू, वो लड्डू था या जुलाब का गोला? तो फिर चलो ना बेटा, चलिए चलिए ना। थाली में खाना उसी में छेद करना। नमक हराम हो, तुम्हें मेरा ही घर मिला था सेल लगाने। हमारा कोई दोष नहीं। निकाल दो इन्हें घर से बाहर और लगा दो झोपड़ी में। आ न रहे बात हो न बचे बात भी। ये कैसा शोर, ये कैसी आग। आइए आइए भाभी, आप ही का इंतजार था। तशरीफ रखिए भाभी। पंडित जी का कहना है कि आज का दिन बड़ा ही शुभ दिन है। उनकी राय है कि शादी ब्याह के लिए इससे उत्तम दिन हो ही नहीं सकता। वरी मेरा ख्याल है कि दिन ढलने से पहले पहले रूपा और कुमार की शादी कर दी जाए। आपकी क्या राय है भाभी? अब तो यह फैसला कर्नल साहब ही करेंगे, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। वो तो टेढ़ा आदमी है, बड़ी आप हैं समझदार। हाँ कह दीजिए, मुझे बाकी इंतजाम भी करना है। क्यों जी? हाँ जी, पहले फैसला हो जाने दीजिए, मैं अभी आती हूँ। जैसे आपकी मर्जी। बेटा बेटा, मैं कुमार की सिफारिश करने आया हूँ, उसे माफ कर दो बेटा। व्हाट नॉनसेंस, मैं उस आवारागढ़ से बात करने को भी तैयार नहीं। जानवर है जानवर। तुम्हारा गुस्सा वाजिब है, सच पूछो तो अब वो तुम्हारे काबिल भी नहीं रहा। काबिल है या नहीं, तुम दखल देने वाले कौन होते हो? क्या उल्टी खोपड़ी पाई? तुम्हारी खातिर मुझे तक साफ हो गई है मेरी, ऊपर से बातें बनाती हो। मगर डैडी। मैं कोर्ट मार्शल कर दूंगा सबका। कोर्ट मार्शल ही करना है तो पहले मुँह से चिपका लो, मुँह पर मुँह। अंधी हो, दिखाई नहीं देता। हैरान, ये तो नाक में घुसी जाती है। लाओ मैं ठीक कर दूं। राजा साहब खुशामद से उतर आए हैं, अब बताओ क्या करना है। थोड़ी देर में नाक भी रगड़ेगा, गंदे अंडे हमारी झोली में डालना चाहता है। अभी करता हूँ इनकार जाकर। इनकार करने से कुमार हाथ से निकल जाएगा। कुमार है या पटेल, जो हाथ से निकल जाएगा। अब पर जरा सोच समझ कर बात करना, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। हम कुमार को घर जवाई भी तो बना सकते हैं। जरूर बना सकते हैं। अरे अब कहाँ खिसकने का इरादा है, चलो वापिस। मैं कोई मुजरिम हूँ, कैदी हूँ, गुलाम हूँ, क्या हूँ? आखिर ये पाबंदी क्यों है मुझ पर? इसलिए कि वरी तुम्हारा जुर्म साबित हो चुका है। मगर आप मेरी आजादी को नहीं छीन सकते। पहरेदारों को हुक्म मिल चुका है कि रूपा से शादी किए बगैर अगर तुमने इस घर से बाहर कदम रखा तो शूट कर दिया जाओ। जाओ वरी बैठ जाओ अपनी जगह पर। सुन लिया है, समझ लिया है, जान गया हूं। राजा साहब की तो हर बात अनोखी होती है, मगर हमें तो बिरादरी में मुंह दिखाना है। अब यह शादी एक शर्त पर होगी। हमें वरी आपकी हर शर्त मंजूर है कर्नल साहब, फरमाइए क्या हुक्म है। आपके लड़के को हमारा घर जमाई बनकर रहना पड़ेगा। अरे क्या कहा? हमारा लड़का और तुम्हारा घर जमाई बनेगा? कहीं दिमाग तो खराब नहीं हो गया है तुम्हारा? दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा फिर गया है, पागल कहीं का। हम पागल? वरी ये तुम नहीं, तुम्हारी मूछें बोल रही हैं। बहरूपिए वरी नकली मूछें लगाकर हमें आंखें दिखाता। ये नकली नहीं, असली बाल है मेरी मूछों के। जवाब दो,
तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है या नहीं? नहीं नहीं नहीं, चले जाओ वरना तोप छोड़ा दूंगा। हाँ हाँ, देखी है तुम्हारी तोप। हमारा तोप खाना देखोगे तो तुम दबाकर भाग जाओगे मिस्टर। चलो जी, अब इस घर का पानी पीना भी हराम है। राइट, क्विक मार्च। मैं आपका घर जवाई बनने के लिए तैयार हूँ। अरे वड़ी, तू इस बहरूपिये का घर जवाई बनेगा? मैं रूपा को प्यार करता हूँ पिताजी, घनोज लव करू छू। ऐसी हालत में कर्नल साहब के जूते भी साफ करने को तैयार हूँ। चलिए हुजूर। हुजूर के बच्चे बाप का घर छोड़कर ससुर के घर जाना चाहता है? ताव में आने की जरूरत नहीं पिताजी। सच पूछिए तो मैं आप ही का हुक्म मान रहा हूँ। बड़ी, हमें नहीं चाहिए ऐसी औलाद जो बाप की नाक तक काटने के लिए तैयार हो जाए। मतलब ये कि मैं चला जाऊं? सो तो जा ही रहा हूं। नमस्ते माता जी। चलिए जनाबा, जाने से पहले तन के कपड़े और जूते तक छोड़कर जाना होगा। वरी मैं तुझे हर चीज से महरूम करता हूं। कर दीजिए महरूम, रूपा की खातिर सब कुछ कुर्बान है। ये रहा बुशर्ट, ये रही गंजी, ये रहे मोजे, और ये रहा पैंट, और ये रहे। अरे नहीं नहीं, जूते रहने दो भाई, मैं बाद में उठवा लूंगा। बाद में, ये घड़ी आपकी दी हुई नहीं है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। नहीं नहीं, मैं तुम्हें न जाने दूंगी। मुझे मत रोको माँ, मोहब्बत में पढ़कर इंसान सख्त होता है, भी ठुकरा देता है। मैं मैके से ज्यादा ससुराल में खुश रह सकती हूँ। मेरा रूपा मुझे माँ की मोहब्बत, बाप का प्यार और दुनिया के तमाम सुख दे सकता है। क्यों रूपा? मैं तुम्हें लोरियां देकर सुलाया कर, और मैं तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा डार्लिंग। चलिए पिताजी। नमस्ते ससुर जी। कहा सुना माँ, रास्ता साफ? चलिए चलिए, लाइन क्लियर है। मोहब्बत का इंजिन सीटियां बजाता हुआ प्लेटफॉर्म से गुजर जाना चाहता है। कुमार कुमार कुमार, रोक दो गाड़ी। तशरीफ लाइए जनाबा। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? जहां हम वहां रूपा, क्यों डार्लिंग? मगर तुम तो हमारे साथ घर जवाई बनने जा रहे थे। घर जवाई? हम गैरत वाले हैं कर्नल साहब, आपकी पुत्री को हम घर जोरू बना कर रखेंगे। कमान सही था। रूपा तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? हमने इसके खातिर घर छोड़ा, इसे हमारी खातिर दुनिया छोड़नी पड़ेगी। दिमाग खराब हो गया है तेरा। अबे जा जा, बड़ा आया, अगर दोबारा गाली दी तो मुझे नोच कर हाथ में रख दूंगा। चले जाओ यहाँ से। यू ब्रूट, यू डबल इडियट, गेट आउट ऑफ माय साइट। गर्ल्स ना सफर। अब ये बता जाए कहाँ किस्मत के ठुकराए हुए। अब ये बता जाए कहाँ रास्ता अनजान, मंजिल का पता कुछ भी नहीं। अपनी राह में अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं। हम के हैं घन घोर बादल दूर तक छाए हुए। अब ये बता जाए कहाँ, ये बता जाए कहाँ, अब ये बता जाए कहाँ। अपने अरमान
आए हुए अब ये बता जाए कहाँ, ये बता जाए कहाँ, अब ये बता जाए कहाँ। क्या ये दुनिया है दुनिया के रखवाले बता, जी रहे हैं सैकड़ों जीने से शर्माए हुए अब ये बता जाए कहाँ, ये बता जाए कहाँ, अब ये बता जाए कहाँ, अब ये बता जाए कहाँ। किस्मत के ठुकराए हुए गम से घबराए हुए जीने से उकताए हुए अब ये बता जाए कहाँ। स्वयंवर रचाने निकले थे राजा बहादुर, बेटा भी हाथ से खो बैठे, तुम्हें कुमार को वापस लाना होगा वरना मैं कुछ खाकर मर जाऊंगी। सुन लिया सालिग्राम, पर अब तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। कुमार की मर्जी पूरी कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बको मत, एक ठिकारन को बहू बनाकर वरी हम अपनी नाक कटवाने के लिए तैयार। उससे नाक न कटेगी तुम्हारी, गरीब होना कोई पाप नहीं, कोकिला आज भी लाखों से अच्छी है। तो फिर वरी हमसे क्या पूछती हो रानी साहिबा, तुम जानो और तुम्हारा लाडला बेटा। हम गरीबों का पीछा करने से आपको कुछ हासिल ना होगा छोटे सरकार। भगवान के लिए हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। अजीब लड़की हो, तुम्हारे खातिर तौलिया बांधा, घर छोड़ा, अगर तुमने हमें छोड़ दिया तो जानती हो क्या होगा। जो होना था तो हो चुका, जो होगा वो भी सहन कर लेंगे। ये बात है तो मैं चला दूसरी दुनिया में। दूसरी दुनिया नहीं नहीं सुनिए तो, धरती माता की कसम खाई थी मैंने, जान दे सकता हूँ आन नहीं दे सकता। नहीं नहीं रुक जाइए रुक जाइए, हम कहते हैं नहीं रुक सकता। बाप रे बाप, यहाँ तो नक्शा ही बदला हुआ है। चोट लग जाएगी, पानी कम है। गैरत वाले तो चुल्लू भर पानी में डूब मरते हैं। तो फिर सोचते क्या हो, लगाओ डुबकी। लगाता हूँ, मगर डूबने से पहले आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या? तुम्हें मुझसे बेहद नफरत है? हाँ। मुझे भी तुमसे बेहद नफरत है। तो फिर चलो दोनों डूब मरे। ठीक है, इस मतलबी दुनिया में अब हमारे लिए रखा ही क्या है। कहाँ सुना माफ हो भाइयों, गाड़ी तैयार है, टिकट कट चुका है अपना, आइए जनाबा। अरे कहाँ जा रहे हो बेटा, गाड़ी तो इधर खड़ी है। ओ हो, तुम कहाँ से टपक पड़े हो मामू, 100 बार समझाया है कि सफर पर जाने वाले को टोका नहीं करते। बगैर टिकट के सफर करने वाला पकड़ा जाता है बेटा, तुम माँ को प्लेटफॉर्म पर तड़पते छोड़कर नहीं जा सकते। बाप रे बाप, गाड़ी में सवार होने से पहले ही टीटिया पहुँचा। माता जी न आप जीने देती है न आप मरने देती है। मरे तुम्हारे दुश्मन, चलो घर चलो दोनों घर। जान पड़ता है शतरंज की कोई नई चाल सूझी है आपको। नहीं नहीं, तुम्हारे पिताजी कोकिला को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हैं। मैं नहीं मानता, थाली के भैंगन की तरह कभी इधर कभी उधर, वो भरोसा करने के काबिल नहीं है माताजी। अब वो बिल्कुल बदल चुके हैं बेटा। बदल चुके हैं बेटा, नामुमकिन, इम्पॉसिबल। बंदे का नाम है अरफल, बाप का नाम है दरफल, और दादा का नाम है दर्शन, और मेरी बेटी का नाम है सरकार उलझन। उलझन जी, बड़ी यहाँ क्यों आए? स्वयंवर में शरीक होने। ये तस्वीर मेरी बेटी की है सरकार। तस्वीर नहीं, लड़की का चेहरा देखकर बातचीत होगी। अपना खानदान बताओ, बड़ी इसका घूंघट हटाओ। इज्जत वाली लड़कियां दिखाकर सौदा नहीं किया करते सरकार, और ना ही ये हमारे देश का रिवाज। रिवाज गया जहन्नम में,
कौन जाने साड़ी में जवान है या ढेर, बड़ी चीतर है या बटेर। न इसमें चीतर है सरकार न बटेर, लड़की की उम्र है 20 बरस। 19? जी जी 19 बरस। रूपवती भी है और गुणवती भी। बड़ा ऊंचा खानदान है हमारा सरकार। बड़ी शक्लो सूरत और बातचीत से तो वाकई तुम शरीफ और खानदानी मालूम होते थे। अच्छा, हम बगैर देखे ही तुम्हारी लड़की को अपनी माँ, और ये मेरा मतलब है बहू बनाने के लिए तैयार है। कम अज कम उस फिकारन से तो लाख दर्जे अच्छी होगी तुम्हारी लड़की। सुन लिया मामू, ये थाली के बैंगन की तरह फिर लुढ़कते नजर आते हैं। अरे कुमार, ठहर तो सही शैतान। बाप रे बाप, मन्यारी मन्या, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो हम कहते। अब ये दरवाजा नहीं खुल सकता सरकार, अंदर जनाना है। जनाना है या मर्दाना, दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। राजा मोती सागर एक भिखारन को अपनी बहू बनाने के लिए हरगिज़ हरगिज़ तैयार नहीं है। हम कहते हैं वरी इस लड़की को ये घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। हम कहते हैं वरी ये दरवाजा खोल दो, वरना हम टकरी मार मार कर तोड़ डालेंगे। क्या हो गया है आपको? कमरे में आपकी बहू है। बहू? वरी ये बहू कहाँ से टपक पड़ी? कोकिला और कुमार की शादी। शादी? वरी ये शादी किसके हुक्म से हुई? मेरे हुक्म से। आप ही ने तो कहा था कि तुम जानो और तुम्हारा लाडला बेटा। बाप रे बाप, वरी तुम दोनों ने मिलकर हमारी नाक काट डाली। नाक काटी नहीं, बचाई है। स्वयंवर रचाने निकले थे राजा बहादुर। चलिए इधर। जाने थी ते छोड़ ये बहाना, तेरे लिए जिया है दीवाना। रुते है जवां प्यार कर ले, यही तो है प्यार का जमाना। जाने थी ते छोड़ ये बहाना, तेरे लिए जिया है दीवाना। रुते है जवां प्यार कर ले, यही तो है प्यार का जमाना। खुशी